हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 5 मिनट में लहसुन 5 केजी छीलने का और पेस्ट बनाकर स्टोर करने का तरीका। तो हमने ये थोड़ा सा भी लहसुन लिया है और इसको हम इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों हाथ से इस तरह से अलग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा वाला लहसुन है। छोटा वाला लहसुन छीलने में बहुत परेशानी होती है। मेरे तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी 5 मिनट में आप जितना चाहें उतना आप छील सकते हैं। तो इस तरह आप बेलन से भी इसके ऊपर ऐसे मार करके आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। ये देसी लहसुन है, ये छोटा छोटा होता है और इसे छीलने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप चाकू से या ऐसे भी आप छीलेंगे ना तो इतना थोड़ा सा ही छीलने में आपको लग जाएगा, आधे घंटे से ऊपर 1 घंटा लगभग लग जाएगा छीलने में। और काफ़ी छोटा छोटा है तो मुश्किल भी होती है छीलने में। तो इस तरह से हमने सभी को अलग कर लिया है, देख सकते हैं। हाथ से इस तरह से मलेंगे, जो भी ये ऊपर का है ना तो इस ये निकल जाएगा इस तरह से। हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से कर लें। तो एक प्लेट लेते हैं और प्लेट में डालते हैं। तो ये प्लेट में हमने ले लिया है और प्लेट में इसको हम ऐसे हिलाएंगे प्लेट से, इसको फटकना बोलते हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसे हम हाथ से पहले अच्छी तरह से इसको मल ले रहे हैं, ऊपर का स्किन अच्छी तरह से निकल जाए, ये देख सकते हैं। तो ये अलग हमने कर लिया है और भी जो भी है इस तरह से आप अलग कर लें। और बिल्कुल फ्रेश हो गया है, लेकिन छिलका इसके ऊपर एक भी नहीं निकला है, देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस तरह से छिलका नहीं निकलता है। तो शॉर्ट में आसानी से 5 मिनट में अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टोर करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार लिया है, हमने छोटा वाला लिया है जिसमें मसाला हम पीसते हैं, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। तो हमने सभी को इसमें डाल दिया और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे चटनी की तरह बनाने के लिए, क्योंकि ये पेस्ट बनाएंगे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पेस्ट बन जाएगा तो इसमें छिलका तो निकला नहीं है, उसके बाद हम छिलका निकालेंगे किस तरह से बिल्कुल फ्रेश हमारा लहसुन का पेस्ट तैयार होगा। तो चलिए पीस लेते हैं। तो पीस कर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमने पीस लिया है और ये तैयार हो गया है हमारा ये पेस्ट। अब हम लेते हैं एक बाउल, ये देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। डायरेक्ट इस तरह से मसाले में यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने एक बाउल ले लिया है और एक छलनी इसके ऊपर रखा हुआ है, तो पेस्ट के इसके ऊपर डालेंगे। ये काफ़ी थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से धो करके इसी में पानी हम डालते हैं। तो इसी में अच्छी तरह से धो करके डालें, कोशिश करें कम ही डालने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जितना मसाले का ज़रूरत था उसके हिसाब से हमने डाल लिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सभी को इस तरह से डाला और एक बड़ा वाला चम्मच हमने लिया, इसी से हम प्रेस करेंगे। देख रहे हैं ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं, तो इसके नीचे जो है लहसुन पूरा अंदर जा रहा है। और अगर ये ऊपर से सूखने जैसा हो जाए तो फिर इसको बाउल में ही डिप करेंगे इसी पानी में। तो इस तरह से नीचे अगर आप डिप करेंगे तो फिर से ये गीला हो जाएगा, पानी इसमें आ जाएगा, फिर से इसी तरह से प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा से ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं सूख गया है, तो इसमें हम डिप कर रहे हैं, ये पानी इसके अंदर जा रहा है। तो फिर से इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से हम इसको हम लहसुन का पेस्ट अलग कर ले रहे हैं। और ये जो छलनी में बचेगा वो बिल्कुल छिलका ही रहेगा। मैं पास से दिखाऊंगी भी लास्ट में कि इस तरह से ये छिलका आता है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने सभी को इस तरह से, जैसे 1 मिनट पीसने में लगता है और 5 मिनट इसको आपको इस तरह से प्रेस करने में लगता है। आप चाहें तो आटा छानने वाला जो छलनी आता है, बड़ा सा कोई छलनी ले लें, उसमें ढेर सारा आप लहसुन इस तरह से आप छान सकते हैं। तो ये हाथ से मैं इसको दबा रही हूँ, तो ज़्यादा बारीक वाला छलनी ना लें, थोड़ा मोटा ही लें तो अच्छा रहता है, जल्दी इससे तैयार हो जाता है पेस्ट।
जितना आपको लहसुन का ज़रूरत पड़े इस तरह से पीस करके आप बहुत आसानी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मेहनत भी कम लगता है, आसानी से इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं। और फ्रिज में स्टोर करना हो तो भी कर सकते हैं। तो किस तरह से स्टोर करना है आगे बताएंगे। देख रहे हैं किस तरह से ये छिलका है, बिल्कुल छिलका है, ये ऊपर निकल गया है, इसको हम फेंक देंगे। और ये लहसुन का पानी सा बच गया है, ये पेस्ट ही है, थोड़ा कम हम पानी डालते तो पेस्ट की तरह रहता। अब आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं और ग्रेवी जिस तरह से आप मटन चिकन जो भी बनाना हो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कम आपको ज़रूरत हो तो इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे ले लीजिए, उसमें आप आइस क्यूब की तरह उसमें जमा लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, जैसे चाहें वैसे यूज कीजिए। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।